राजघाट पुलिस से बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अवैध कच्चे शराब के दुकानों पर छापेमारी करते हुए अवैध कच्चे शराब का जखीरा बरामद किया है तथा इस कारोबार में संलिप्त एक महिला को हिरासत में लिया है। एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे संघन अभियान में एसओ राजघाट आशुतोष सिंह की टीम ने बसंतपुर तकिया पावर हाउस से एक महिला के घर से बिक्री की जाने वाली अमिश्रित शराब बरामद किया है और उसके निशानदेही पर हार्वर्ड बंधे पर भारी मात्रा में लहन बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने इस कारोबार से जुड़ी एक महिला दुर्गावती को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है, जबकि इसका सहयोगी गौतम फरार हो गया है। गिरफ्तार महिला के पास से 900 लीटर अवैध कच्ची शराब, 100 लीटर अमिश्रित देशी शराब, 5 किलो यूरिया बरामद हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी इंचार्ज ने अमृतानी बगिया के पास से एक महिला को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ हिरासत में लिया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। उधरो कोनो पुल बा, उधरियो कोनो पुल बा। जब आवे होगा तो कम से कम 5 लीटर लेके बताना के हुए नहीं है। वीडियो बनावत रहा, बन रहा है, बन रहा है। हाँ भैया, आप लोग वीडियो बना जा बना आइए मनोहर भाई, गोविंद गोविंद कई बार जा चुके हैं यहाँ से। भाभी के नाम से फेमस है ये। क्या करती है? कहाँ से लाती है? इधर बगिया और से लाती है। तो कहाँ बेचती है इसको? बंदे के पास। तो बेचता कौन, बनाता कौन है इसको? बनाने के नहीं जानते हैं, के ले आता है, जैसे पैसा दे देते हैं, दे देते हैं। तो क्या नाम है आपका? दुर्गा। इसके पहले भी कभी आप पकड़ी गई हैं? तो कहाँ ऐसा कर रही है काम? नहीं है ना, ऐसे 4 बच्चे 5 बच्चे हैं, ऐसे का यही आपका रोजगार है? किसी परिवार चलाते हैं? कितने बच्चे हैं? क्षेत्र में कल प्रभारी थानाध्यक्ष राजघाट और उनकी टीम के द्वारा हार्वर्ड बंधे पे एक महिला को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 900 लीटर देशी दारू, कच्ची दारू और 100 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद हुई है, जिसके खिलाफ 272 IPC और सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेजा जा रहा है।
और साथ ही साथ उस कार में लिप्त एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया, उसी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।